बड़ी खबर का, तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में दिन दहाड़े 5,25,000 रुपए की लूट की गई। तो एक्टिवा से जा रहे पिता बेटे से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। किलनदेव चौराहे के पास से ये लूट की वारदात हुई है। तो राजधानी में दिन दहाड़े आप सोच सकते हैं कि बदमाशों के हौसले लगातार कितने बुलंद होते जा रहे हैं कि दिन दहाड़े ऐसी बड़ी वारदातों को अंजाम देते बदमाश नजर आ रहे हैं। तो कानून का खौफ अब नजर नहीं आ रहा। 5,25,000 की लूट की गई। मौके पर फिलहाल पुलिस मौजूद है और तमाम मामले की अब जांच की जा रही है। पूछताछ का सिलसिला जारी है और आसपास लगे हुए सीसीटीवी को भी अब खंगाला जाएगा, उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये वो पिता पुत्र हैं जिनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तो करीब 5,25,000 रुपए की लूट की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, स्कूटी पर सवार होकर ये पिता और बेटे जा रहे थे और उसी वक्त उनके पास से 5,25,000 रुपए को लूटा गया है। तो 5 लाख से ज्यादा की लूट, बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल से। दिन दहाड़े इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, ऐसे में कानून का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूटी से जा रहे पिता पुत्र से लूट का मामला सामने आया। किलनदेव चौराहे के पास ये पूरी घटना हुई। राजधानी भोपाल की खबर बता रहे हैं आपको, जहां दिन दहाड़े 5 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की गई है। तो किलनदेव चौराहे के पास की घटना, और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले एक दो महीने पहले भी 5 लाख की लूट की घटना सामने आई थी। और ऐसी बड़ी वारदात का दिन दहाड़े होना सवाल उठाता है। राजधानी भोपाल में दिन दहाड़े लूट हुई है, खासतौर से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है किलनदेवी चौराहे, उसके पास जो युवक है उनसे हम बात भी करेंगे। आपके साथ घटना हुई है, क्या किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है? मैं एक्सिस से जा रहा था और एकदम मेरे पीछे जो लोग आए और मुझे मारा और पैसे मेरे छीन के ले गए। अब वो कैमरे में देख सकते हैं आप, अगर कैमरा चेक करें तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे पीछे कब से आया, क्योंकि मैं बैंक पहली बार गया था, कोई ऐसी निगरानी रखने वाला काम भी नहीं था कर सकता। और कौन था? मैं अकेला था बस, और मैं जा रहा था अपने शॉप पे जा रहा था पैसे लेके। कितने लोग थे, क्या पहने? लोग थे और मुंह पे नकाब लगा था उनके, कुछ हथियार लगाए उनने पीछे उनके पास एक बड़ा चाकू था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रजा है। तो देखिए, ये खासतौर से पीड़ित हैं जिनको कहीं ना कहीं चाकू अड़ाकर जिनके साथ 5 लाख की लूट हुई। और ये वो प्रमुख चौराहा नजर आ रहा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी का माहौल है। उनके परिवार के लोग भी पहुंचे हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दो युवक थे जो चेहरे को बांधा हुआ था, कहीं ना कहीं कह सकते हैं ढका हुआ था। और इस चौराहे पर जो कि बहुत कह सकते हैं वीआईपी एरिया है, 6 नंबर से जुड़ा हुआ है, किरण देवी चौराहे आता है, यहाँ पर दिन दहाड़े लूट होना भी एक बड़े सवाल पैदा करता है कि आखिर किस प्रकार सी लूट हुई है। दादा आपके कौन है? बेटा है मेरा, बेटा है अहमद है। मैं तो घर से नमाज का टाइम था तो मेरे को टेलीफोन आया, तो बक्के आए मैं और मेरी मिसेज, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन गया, तुरंत पुलिस आ गई थी, तुरंत 2 मिनट में पुलिस आ गई थी। क्या बता रहे, घटनाक्रम क्या हुआ, कितना पैसा था, कितने लोग? 25,000 रुपए कैश थे जो बैंक से निकाल के लाए थे। बच्चे के साथ कोई और भी था? नहीं, वही था, इसका दोस्त था, वो दोस्त छोड़ के भग गया और उसी की पूरी प्लानिंग है। वो साथ में बैंक गया था? बैंक गया, उसी ने विड्रॉल करके निकला है। बेटा आपका रेगुलर जाता रहता है बैंक? जाता रहता, रोज जाता, कल भी गया था। मेरा हिसाब किताब है, मार्बल का होलसेल काम है मेरा, ग्रेनाइट मार्बल का, तो पैसे लेन देन होता है। जो बेटे का दोस्त था वो क्या करता, कुछ उसकी प्रोफाइल? वो लोफर ही है, जब भी या तो गाड़ी चलाता क्या, मैं तो देखा ही नहीं। ये कहता मेरा दोस्त है, ये भी ये मेरा भतीजा है। क्यों, तू जानता है ना इसको, कैसा था, क्या है? ओला कैब चलाता था, उसने अभी एक ओला कैब खरीदी थी, बस वो चलाता था और कुछ भी नहीं पता उसके बारे में मुझे। अभी वो उसके साथ गया और उसको बीच में छोड़ के कहीं चला गया था, ये जब हुआ उससे पहले। खासतौर से जो युवक के साथ बैंक तक गया था उस पर कहीं ना कहीं संदेह जताया जा रहा है कि अनस नाम का युवक है। और ये वो घटना स्थल है जहां पर वारदात हुई थी, जहां पर घटना हुई थी, खासतौर से चाकू अड़ाकर पैसे लिए गए। तो तमाम अधिकारी भी यहां पर पहुंच गए हैं और अब देखिए यहां पर सबकी बातचीत भी चल रही है, आखिर किस तरीके का घटनाक्रम था और क्या था कि उनसे बात भी करें। सर क्या कंप्लेंट थी, क्या घटना हुई? अभी हम मौके पे आए हुए हैं, यहाँ पे सूचना मिली थी, तत्काल यहाँ पे आए हैं, तो कोई पैसे छीनने की घटना हुई है, तो उस पर पुलिस पूछताछ कर रही है और पर जो पीड़ित व्यक्ति उससे अभी बातचीत करके फिर आगे बता पाएंगे। परिवार के लोग कह रहे हैं कि जो लड़का उनके साथ बैंक गया था वो बीच रास्ते में छोड़कर गया, तो कहीं ना कहीं उस पर संदेह जता रहे हैं। अब वो सारी चीजें अब
जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है उसके मुताबिक करेंगे, जैसे उनका संदेह होगा और जो पुलिस की ढूंढने की प्रक्रिया होगी वैसे करेंगे। खासतौर से कार्रवाई भी की जाएगी, इस तरीके से परिवार का कहना है कि जो एक दोस्त साथ में बैंक गया था वो बीच रास्ते में उतर गया, तो कहीं ना कहीं शक उस पर ही जा रहा है क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। लेकिन अब ये जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि पॉश एरिया में इतनी बड़ी लूट होना, 5.25 लाख की लूट जिस तरीके से बताई जा रही, तो ये कहीं ना कहीं कई सवाल पैदा करता है कि आखिर जो गुंडे बदमाश हैं वो उनके हौसले कितने बुलंद हैं। पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। तो राजधानी में दिन दहाड़े इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और संदिग्ध भूमिका इसमें युवक के दोस्त के सामने आई है, क्योंकि स्कूटी पर ये दो लोग सवार थे। युवक का दोस्त बीच में ही छोड़कर चला जाता है, ऐसे में युवक की संदिग्ध भूमिका निकलकर सामने आई है। बहरहाल देखना यह होगा कि कब तक इस मामले का खुलासा किया जाता है।